हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में जूस चेकिंग के बारे में बात करेंगे। आप अपने मोबाइल को जैसे ही चार्ज में लगाएंगे, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में RBI ने चेतावनी भी दी है। यहाँ तक कि आपका फ़ोन, लैपटॉप हमेशा के लिए लॉक भी हो सकता है। आपने शायद ही इस पर कभी गौर किया हो, लेकिन दुनिया भर में आज बड़े बड़े हैकर्स सार्वजनिक केबल या फिर USB पोर्ट में मालवेयर लगाकर लोगों का गोपनीय डेटा चुरा रहे हैं। इसे ही जूस जैकिंग कहा जाता है दोस्तों। साइबर चोर हर दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लोगों को चूना लगा रहा है, तो कोई यूट्यूब पर वीडियो लाइक के नाम पर ठगी कर रहा है। दोस्तों, जूस चेकिंग भी एक तरह का स्कैम है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये जूस जैकिंग पल भर में आपकी ज़िंदगी की पूरी कमाई को ख़त्म कर सकती है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। आज की वीडियो में जूस जैकिंग क्या है और जूस जैकिंग से बचने के क्या क्या तरीके हैं, इसी बारे में आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या है स्कैम का नया तरीका जूस चेकिंग। अक्सर हम किसी रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पे या होटल जैसी जगहों पर अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होता देख के वहाँ मौजूद चार्जिंग केबल या फिर USB पोर्ट से डिवाइस चार्ज करने लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिवाइस की बैटरी चार्ज होते होते आपका बैंक खाता खाली भी हो सकता है, या आपके पर्सनल मैसेजेस, आपके पर्सनल ईमेल्स, मोबाइल पासवर्ड्स जैसी इंफॉर्मेशंस उड़ाई जा सकती हैं, यानी कि चोरी की जा सकती हैं। यहाँ तक कि आपका फ़ोन, लैपटॉप हमेशा हमेशा के लिए लॉक भी हो सकता है दोस्तों। आपने शायद ही कभी इस बात पर गौर किया हो, लेकिन दुनिया भर में आज बड़े बड़े हैकर्स सार्वजनिक केबल या फिर USB पोर्ट में मालवेयर लगाकर लोगों का बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डेटा चुरा रहे हैं, और इसे ही जूस जैकिंग कहा जाता है दोस्तों। अब आपको बताती हूँ कि आप जूस जैकिंग से कैसे बच सकते हैं और जूस जैकिंग से बचने के लिए आपको कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। दोस्तों, ट्रेन, एरोप्लेन या फिर स्टेशन या फिर होटलों में पहले से लगी चार्जिंग केबल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही प्रमोशनल गिफ्ट्स में मिलने वाले चार्जिंग केबल या पोर्ट का भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने फ़ोन के साथ मिले या फिर ओरिजिनल चार्जर और केबल का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ट्रैवल कर रहे हैं अगर आप, तो आप अपने साथ पावर बैंक कैरी कर सकते हैं। किसी चार्जिंग स्टेशन पर USB पोर्ट का इस्तेमाल करने के बजाय अडैप्टर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, और होटल में भी USB पोर्ट से फ़ोन या कोई भी अन्य गैजेट को आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो जूस चेकिंग के बारे में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही लाइक कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके जूस चेकिंग के बारे में, और लोगों का डेटा चोरी होने से बच सके। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय।